दोस्त लोगों के साथ एक बार ये प्लान जरूर हुआ होगा कि चलो गोवा जा। कभी कभार ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लोग ऐड हुए ही होंगे जिसका नाम है ट्रिप टू गोवा। और आपके नए नए शादी हुए हैं और पॉकेट थोड़ा सा टाइट है और हनीमून जाने की इच्छा है गोवा में। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो लेकिन पॉकेट थोड़ा टाइट है गोवा घूमने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोवा ट्रिप इन अ लो बजट। पहला जो पॉइंट आते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब आप गोवा जाने के लिए इंडिया के किसी भी सिटी से आप गोवा ट्रेवल कर सकते हैं। गोवा जाने के तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एक है बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड। अब आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहते हैं। जैसे कि ये एक बजट ट्रिप है तो हम लोगों ने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किए हुए थे वो है बाय ट्रेन। मुंबई से गोवा जाने के लिए वन साइड ट्रेन फेयर हम लोगों जो पड़ा था वो है 400, आने जाने के लिए नियर अबाउट 800। गोवा तो पहुंच गए, फिर गोवा में रहेंगे कहाँ? अगर आप दोस्तों के साथ गए हुए हैं, आपको पार्टी करना पसंद है, आपको क्राउडेड एरिया रहना पसंद है, तो आप रह सकते हैं नॉर्थ गोवा में। लेकिन आपको फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आपको एक पीसफुल वेकेशन स्पेंड करना है, तो आप साउथ गोवा में रह सकते हैं। हम लोग रहे हुए थे साउथ गोवा के, जो होटल था वो कोलवा बीच के एकदम पास ही था। जो होटल हमने बुक किए हुए थे वो एयरबीएनबी के थ्रू हमने बुक किए हुए थे। हम लोगों के हुए थे 5 days and 4 nights और हम लोगों के पर डे जो रूम टैरिफ हुए थे वो है 784 rupees। जैसे कि पहले ही बता चुके ये एक बजट ट्रिप है तो हम लोग ने ऐसे ही चूज किए हैं, लेकिन आप आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करके अकोमोडेशन आप चूज कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन तो हो गए, अब गोवा घूमे कैसे? गोवा घूमने के लिए आप रेंट कर सकते हैं स्कूटी, बाइक या फिर कार। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे घूमें। हम लोग ने रेंट लिए हुए थे स्कूटी, जो हम लोग को पर डे 350 लगे थे। ये बर्गेनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि स्कूटी आपको कितने पैसे में रेंट में मिल रहा है। पेट्रोल के जो खर्चा है वो आपका खुद का होगा। स्कूटी रेंट करने के लिए आपको कैरी करना है जो डॉक्यूमेंट्स, वो है एक फोटो आईडी और आपके ड्राइविंग लाइसेंस। ये ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है स्कूटी बाइक या कार हायर करने। अब आते हैं खाने पीने के बारे में, फूड एंड ड्रिंक्स के बारे में। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि गोवा में खाना बहुत ही महंगा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ना महंगा है। आप यह आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप खाना खा कहाँ रहे हैं। अगर आप कोई 5-star रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं तो आपको महंगा लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग बीच स्नैक्स पे खाए हुए थे, हम लोग कुछ रेस्टोरेंट पे भी ट्राई किए हुए हैं खाना, तो उतना महंगा तो हमें नहीं लगा। लिकर बहुत सस्ते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। लोगों को 5 दिन के लिए फूड्स एंड ड्रिंक्स में टोटल जो खर्चा हुआ वो है 4000। पर पर्सन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा 2000। कुछ 4 points ही मैंने निकाले हुए थे, एक ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, सिटी टूर एंड फूड्स एंड ड्रिंक्स। आई होप ये वीडियो आपके काम आएंगे। अगर आपको कुछ हेल्प होते हैं गोवा जाने की प्लानिंग करने में ये वीडियो देख के, कमेंट में जरूर बताना। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब माई चैनल।